गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर द्वारा हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम रिलेटिव डेंसिटी निकालने का कैलकुलेशन देखेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी थ्योरी देखते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर द्वारा ठोस तथा द्रव दोनों पदार्थों के अपेक्षित घनत्व ज्ञात किए जा सकते हैं। हाइड्रोमीटर में ठोस और द्रव दोनों पदार्थ के हम क्या कर सकते हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि यह एक चीज और होती है हाइड्रोमीटर में, यह प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, प्लवन यानी फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। फ्लोटेशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी प्लवन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। प्लवन का सिद्धांत में यदि हम बोले, यदि हमने बताया था यदि कोई वस्तु है, यदि आप इसको द्रव में डालते हो तो क्या होगी, ये इसका भार हमको द्रव में क्या लगेगा, थोड़ा कम महसूस होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना, क्या होता है जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। ये भार में यह कमी द्रव के द्वारा लगाए गए भार के बराबर होती है। द्रव के भार के तथा वस्तु के भार जो यदि यह आप द्रव में डालोगे तो क्या होगा, इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। और इधर से भी यदि आपकी पूर्ण रूप से आंशिक रूप से नहीं डूबी है तो क्या होगा, इतनी ऊपर है, ठीक है, इधर से क्या होगा, ये इधर से बल लगाएगा, इधर से बल लगाएगा, इधर से मतलब जितना इसका भार डूबा हुआ है यह उतना बल लगाएगा, ठीक है ना। बोल सकते हैं जब कोई वस्तु किसी द्रव पर तैरती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव पर तैरती है तो संतुलन की स्थिति में होती है, तो संतुलन की स्थिति में होती है, तो संतुलन की स्थिति में होती है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो भाई संतुलन की स्थिति में होती है, होती है। इसका भार वस्तु के द्वारा, वस्तु के भार, इसका भार, भार वस्तु के भार, इसका भार वस्तु के भार, भार तथा वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा, वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा द्रव के भाग के बराबर होता है, द्रव के भाग के बराबर होता है, बराबर होता है। यह आपका क्या होगा, हाइड्रोमीटर्स। अब हाइड्रोमीटर्स में अपन देखेंगे कितने टाइप्स में होते हैं। हाइड्रोमीटर बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर आपके दो टाइप के होते हैं, देखते हैं हम। इसमें दो टाइप दिए गए हैं आपके हाइड्रोमीटर को, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका आता है स्थिर इमर्शन हाइड्रोमीटर, स्थिर इमर्शन हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। दूसरा आता परिवर्ती, परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर। अब देखते हैं ये दोनों होते क्या है। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है हमको, नाम से स्थिर इमर्शन हाइड्रोमीटर और परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर, इसके अपोजिट इसका काम है। जैसे स्थिर इमर्शन में हम क्या विभिन्न प्रकार के विभिन्न भार रखकर इसमें क्या करते हैं, रीडिंग ली जाती है। स्थिर में क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के भार रखेंगे, मतलब परिवर्तित करेंगे भार को, ठीक है ना। इसमें स्थिर में जो इसके नाम जो है स्थिर, इसका अपोजिट परिवर्ती करेंगे, परिवर्तित मतलब बदलेंगे इसके भार को। इसमें क्या करते हैं, विभिन्न भार को रखकर इसका पाठ्यांक लिया जाता है। विभिन्न भार मतलब पहले रख दिया आपने 1 kg, फिर 2 kg, 3 kg, फिर इसके बाद कम कर लिया, मान लीजिए आपने 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg। आपको जितना भार इसमें परिवर्तित करते रहना, ठीक है ना। इससे आपको विभिन्न प्रकार के पाठ्यांक मिलेंगे, उससे हम आपको रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला याद कर सकते हैं। इसके बाद परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर, परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर में क्या हुआ, इसका नाम है परिवर्ती यानी परिवर्तित होना, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप के आपको इसमें परिवर्ती है, इसमें परिवर्तित होगा, इसमें क्या रखना, स्थिर रखना, इसमें भार को हमेशा स्थिर रखा जाता है, उसे हम परिवर्ती इमर्शन हाइड्रोमीटर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।